कोई भी पेशेंट होता है हमारे देश में, क्या होता है आपका कोई जो 5 लाख का नहीं कोरोना की ड्यूरेशन नहीं है, दिस इज कंटीन्यूअस प्रोसेस। ह्यूमन ब्रेन इसको कितना समझ सकता है, अभी कितना हम आगे बढ़े हैं, अभी इसकी फिगर बता के ऐसे आ रही है, कोरोना की ज्यादा ही है, हिसाब ही कोई नहीं, इतना इतने केसेस आ रहे हैं, कोरोना हुआ है ना उसको, इसमें लक्षण इसके ज्यादा होते हैं, ज्यादा आ रहे हैं, और सांस की भी प्रॉब्लम होती है, और आईसीयू में अबे तो चेस्ट छोड़ नहीं रही है पिछले 3 महीने, ये वही इन्फ्लुएंजा मुझे रहा, मैं 15 दिन ठीक है, रजौरी में लोग अच्छे हैं, डॉक्टर कोऑर्डिनेशन अच्छी है, यूनानी को भी थोड़ा बराबर समझा जाता है, जो DSR मार्केट में 125 रुपए का पत्ता है, मैं 15 रुपए का पेंटा, आपका कितने का पेंटा? इनका पास हो गया अभी 1 हफ्ता हुआ है इसकी क्लासेस को, लिटिल फास्ट के बाद देखो हमें उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना है, इस बारे में बात कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, आप स्पेसिफिक कोई बात लाइए हमारे ध्यान में, बेक बात ना करिए सर, जीएमसी सर, जीएमसी जनवरी को बने हुए 6 साल हो गए हैं, जॉइंट सेक्रेटरी जो है वहाँ पे अभी सुनीत गुप्ता, उनकी तरफ से कुछ पावर्स का जो है मिसयूज किया गया है, हालांकि वाइस चांसलर्स ने उन्होंने उनके ओहदे से हटाया गया है, लेकिन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी प्रॉपर तौर पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आपके माध्यम से हमने सुना है, कोई अगर बात में कहीं वेट होगा तो हम उसको देखेंगे। सर जीएमसी जोरी को बने हुए 6 साल हो गए, 6 साल में जब भी जोरी में प्रिंसिपल अपॉइंट किया जाता है उसको एडिशनल चार्ज दिया जाता है, वो मैक्सिमम टाइम अपना जम्मू में निकालता है, क्या इसमें परमानेंट कोई प्रिंसिपल लगाने के लिए आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा? किसका, मेडिकल कॉलेज का? हाँ सर, मेडिकल कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का आज तक जो भी लगा है उसको एडिशनल चार्ज दिया है, वो मैक्सिमम टाइम अपना जम्मू में निकालता है, ऐसा ऐसी कोई बात है तो आपने हमारे ध्यान में लाई है, हम देखेंगे। सर मैं इस पर रोशनी डालना चाहता हूँ, सर जब इंस्टीट्यूशन नया बनता है तो उसको प्रिंसिपल बनाने के लिए हमें यहाँ का लोकल प्रोफेसर चाहिए जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस हो या मिनिमम 5 ईयर हो, तो जब ये नया मेडिकल कॉलेज में आप खुद बोल रहे हैं कि 4, ठीक है आपने आप क्वेश्चन पे भी थोड़ा मेहनत करिए और हम आंसर सर, आपका रिड्रेसल सर, के लिए सर, सर, की बात करें राजौरी में उसकी बिल्डिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे बिल्डिंग या रूम्स कम होने की वजह से हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी काफ़ी परेशानी हो गई, क्या उसको फंक्शन जल्द करना चाहिए? क्यों नहीं करेंगे, इसीलिए बिल्डिंग पैसा खर्च है, तो मदर चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं आप ही बताइए, लोगों का कहना है कि उसको फंक्शनल करना चाहिए जल्द से जल्द क्योंकि बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है। देखो कुछ तकनीकी तरीके होते हैं, कई बार पेशेंट को वहाँ लेने में कोई निको का पेशेंट है, कोई गायनी की, उनकी टेक्निकली प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जो एक्सपर्ट होते हैं गायनी में या बच्चों में उनको ज़्यादा नॉलेज होती है, उनकी एक्सपर्टाइज के बिना हम उस बिल्डिंग में नहीं कर सकते, किसी बिल्डिंग का जुडिशियस चूज करना चाहिए, मेरे ध्यान में बात आई है, हम अभी हमारी एसोसिएशन से मीटिंग है उसमें हम इसका देखेंगे, जांच करेंगे क्या है। सर पीर पंजाल में सर कैथ लैब की कमी है सर, जीएमसी रजौरी में इस वक्त कैथ लैब नहीं है सर, तो उसका प्रोविजन कब तक लाया जाए, क्योंकि इस हर्ट पेशेंट के लिए और जिनको हार्ट अटैक होता है उनको जम्मू रेफर किया जाता है, रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है, तो उसका प्रोविजन कब तक लाया जाएगा? आपने हमारे ध्यान में लाया है, कहीं इनसे हम आज पूछेंगे।